श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अगोदी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अगोदी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और लाजवाब साधना लेके आया हूँ, और ये जो मैं साधना देने जा रहा हूँ, ये साधना अपने आप में बहुत ही प्रचंड और गुप्त साधना है। गुप्त इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर आज तक किसी ने नहीं दी है, और ये गुरुमुखी साधना है और प्योर देसी प्रॉपर देसी यानी कि गुरु गद्दी से प्राप्त है। तो ये जो साधना है, ये साधना है सूंगा शैतान। कौन? सूंगा शैतान। ये सूंगा शैतान साधना है, ये इत्र योनि की यानी प्रेत योनि की साधना है। प्रेत योनि ये शैतान पद यानी कि जो ये सूंगा है ये शैतान है, जैसे भूत प्रेत जिन होते ना शैतान, तो उसी कैटेगरी में शैतान। और इतना प्रचंड है ना, इतना प्रचंड है, इसका मैं लफ्जों में वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं सही या गलत जो इसके माध्यम से नहीं किया जा सकता हो। ये सूंगा शैतान ठीक है, इतना प्रचंड है कि इसके माध्यम से सारे आप सटकर्म कर सकते हैं, चाहे वशीकरण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशन। और सबसे एक स्पेशल बात बता देता हूँ आपको इसकी, कि जो सूंगा शैतान है इससे सारे नीच कर्म किए जाते हैं। यानी नीच कर्म का मतलब होता है ये सारे गलत काम, नीच कितने भी गंदे काम यूं कर देता है कि आप सोच नहीं सकते। ये सूंगा शैतान सारे उल्टे कार्यों में चलता है, किसी को कुछ भी कर देना, दंड दे देना किसी को, किसी के ऊपर इसको चढ़ा देना, किसी के पेट में बैठा देना ठीक है, किसी के घर पे बैठा देना, किसी के घर पे इसकी चौकी लगा देना, या फिर इसके मंत्र से पढ़ के कोई चीज़ किसी के घर पे फेंक देना। और हर कार्य करने में सक्षम है, हर कार्य का मतलब ये कोई भी चीज़ आपको लाके दे सकता है, इतना प्रचंड है। और प्रत्यक्ष आता है, प्रत्यक्ष आने के बाद वचन देता है, और एक बार अगर वचन हो जाते हैं तो संसार में ऐसा कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। कुछ भी लाके देने में सक्षम है। सक्षम समझते हैं, यानी कि जो आपने बोला वो ये आपको लाके देगा, जहां कहेंगे वहां चमत्कार दिखाएगा ठीक है। क्योंकि ये इत्र योनि की साधना है, सूंगा शैतान है, और विशेष बात इसकी ये है कि ये कभी अपने साधक का बुरा नहीं करता, क्योंकि ये जो सूंगा शैतान है इससे सारी क्रियाएं उल्टी ही क्रियाएं की जाती हैं, साधा उल्टे में ही चलता है। लेकिन हाँ, अगर सही तरीके से अगर इस जो भी साधक भगत हो जा, तांत्रिक सोखा जो भी है, अगर इसका सही प्रयोग करे तो कोई दिक्कत नहीं। सही में भी आप किसी की निगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं इसके माध्यम से। अगर कोई मान लीजिएगा किसी के ऊपर कोई शक्ति है, यानी किसी ने किसी को कुछ करा दिया है, कोई भूत प्रेत छोड़ दिया है, जिन छोड़ दिया है, और वो खुल के नहीं आता है, बोलता नहीं है, सूंगा शैतान उसको पकड़ के लाएगा। कैसे पकड़ के लाएगा? उसके शरीर में घुस जाएगा और घुसने के बाद उसको मार लगाएगा, इतना प्रचंड है। इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे गलत काम कर सकते हैं आप, मतलब किए जाते हैं, कर सकते। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप इसको साधना को करके किसी का बुरा कीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये उल्टे में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है, ये उल्टे में ही ज़्यादा चलता है। और लोग देखिए, सीधी सी बात है कि लोग किसी अच्छा तो किसी का बहुत कम करते हैं, सामने वाले के बुरा करने के लिए ही ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से वशीकरण महाप्रचंड, उच्चाटन महाप्रचंड, मारण महाप्रचंड। और एक बात बता देता हूँ, सूंगा शैतान जो है ना, इसकी आपकी जो अगर आप साधक हैं और आपने इसको सिद्ध कर लिया तो हमेशा आपके साथ रहेगा अप्रत्यक्ष रूप में, यानी कि आपको दिखेगा प्रत्यक्ष रूप में, जब भी आप इसका आह्वान करेंगे सामने खड़ा हो जाएगा ठीक है। कोई ये आपकी बॉडी में भी प्रवेश कर जाएगा, अगर आप चाहें तो ये आपकी बॉडी में सूंगा शैतान का जो ये स्थान, अगर आप स्थान देना चाहें तो इसका बाएं मतलब बाएं आपके शोल्डर पे इसको स्थान दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है?
बाएं शोल्डर पे, बाएं कंधे पे इसका स्थान होता है, ठीक है। और हमेशा स्थान बाएं शोल्डर पे आपने स्थान दे दिया तो हमेशा आपके बाएं शोल्डर पे रहेगा और आपसे बातचीत करता रहेगा। किसी के विषय में कोई भी जानकारी निकालनी है ना आपको, भूत, किसी का भूत, भविष्य, वर्तमान, तुरंत मिनटों में बताएगा, क्या खा के आया वो भी बताएगा। और दूसरी बात एक और बता देता हूँ कि आपके आप गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं और वहाँ पे कोई लोग आते हैं तो उन आपको पूछने की जरूरत नहीं है, खुद आप खुद बता देंगे। ये खुद बताएगा आपके कान में कि फलाना नाम है इसका, फलाना व्यक्ति इस काम के लिए आया है और इसको ये परेशानी है, किसी ने कराया है, खिलाया है, पिलाया है, देवी की प्रॉब्लम है, देवता की प्रॉब्लम है, पितरों की प्रॉब्लम है, और उस तंत्र को कैसे काटा जाएगा वो भी बताएगा ये। और अगर आप इसको स्थान दे देते हैं अपने कंधे पे, तो कंधे पे स्थान देने के बाद में आपकी सूंघने की शक्ति इस कदर बढ़ जाएगी, इस कदर बढ़ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। और ये आपकी नज़र खोलेगा, नज़र समझते हैं, दृश्य दिखाएगा, दृश्य दिखाएगा नंग आँखों से सामने वाले की के बारे में पूरी जानकारी आपको चलती स्क्रीन पे चल जैसे होती है ना वैसी दिखेंगी। नज़र खोलना, एक भाषा में दिव्य दृष्टि भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन दिव्य दृष्टि जो खुलती है वो ठहराई से खुलती है, लेकिन ये आपकी नज़र खोलेगा, ठीक है। ये शक्ति के माध्यम से, अपनी शक्तियों के माध्यम से ये नज़र खोलेगा और आपको हर चीज़ के विषय में जानकारी देगा। इस साधना के माध्यम से आप कोई भी मतलब कहीं की जानकारी निकाल सकते हैं, इधर का सामान उधर कर सकते हैं, मादन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विदेशन सब कर सकते हैं और कोई दुष्ट परिणाम नहीं। बस इसको स्थान देना होता है बाएं शोल्डर पर, बाएं शोल्डर पर स्थान देने के बाद में हमेशा आपके साथ रहेगा। फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, शत्रु आपके परास्त होंगे, जो भी जितने शत्रु हैं ना साले अपने ही काम में उलझ जाएंगे, इतनी प्रचंड शक्ति है। तो जो भी साधक इस साधना को करे, सोच समझ के करे, वो सही के लिए करे, गलत करने के लिए नहीं करे, ठीक है। बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। तो चलिए मैं विधान बता देता हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, और कैसे कैसे क्या करना है जिस दिन, चलिए मैं कुछ और बातें बताऊँगा। इस साधना को करने के बाद साधक को संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जो वो प्राप्त नहीं करे, धन, यश, वैभव, कीर्ति हर चीज़ से संपन्न करता है। आप गद्दी लगाइए, दरबार लगाइए, लोगों का भला करेंगे तो 4 लाख रुपए आएंगे और आप लोगों का भला कर सकते हैं। तो ऐसी शक्ति को साधिए जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये नाम शैतान है लेकिन इसके काम भी शैतान की तरह है, मिनटों में कुछ भी कार्य करने की इसमें क्षमता है। जैसे जिन है ना, तो जिन का भी मैं बोलता हूँ बाप है सूंगा शैतान। कुछ लोगों के यहाँ जो लोग आदिवासी होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के यहाँ आदिवासी लोगों के यहाँ ये कुल देवता के रूप में पूजा जाता है और ये मैली विद्या के अंतर्गत आता है। मैली विद्या यानी कि बुरा कर्म करने के लिए, और इसके द्वारा की गई क्रिया वही काट सकता है जो इसका साधक होगा। ये रुकता नहीं है, इसकी बहुत ही गति, कार्य करने की जो क्षमता और गति है ना बहुत प्रचंड, ठीक है। तो विधान बता देता हूँ, विधान सुन लीजिएगा। ये साधना आप किसी भी शनिवार से रात्रि 10 बजे के बाद आरंभ कर सकते हैं। विधि विधान लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये साधना आप किसी भी शनिवार की रात्रि 10 बजे से आरंभ कर सकते हैं। साधना आप अपने घर पे कर सकते हैं, घर पे कैसे करना है उसका भी बताऊंगा। साधना आप अपने घर पे कर सकते हैं, निर्जन स्थान पे कर सकते हैं, शमशान में कर सकते हैं। अगर आपको साधना अपने घर पे करनी है तो सबसे पहले आपको शमशान जाना पड़ेगा, सुन लीजिएगा। शनिवार की शाम को 4 बजे या 5 बजे आपको शमशान जाना है, पीले चावल लेके, पीले यानी कि चावलों में, कच्चे चावलों में हल्दी लगा के शमशान को नोत के आना है। नोत के आने के साथ चावलों से नोतना है, एक दिन पहले नहीं, हाथों हाथ नोतना है। चावलों में हल्दी मिला के चावल छिड़क दीजिएगा। छिड़कने के बाद आपको एक क्वार्टर दारू लेके जानी है, धूप बत्ती, अगरबत्ती और 2 अंडे, क्या
दो अंडे, धूप बत्ती, अगरबत्ती। शमशान में जाके अगरबत्ती जलाइए, ठीक है, धूप बत्ती लगाइए, अंडा वहीं पे रख दीजिएगा और दादू का भोग लगाइए, ढाल दीजिएगा दादू की अंडे पे, और ढाल देने के बाद में वहाँ से आपको क्या लाना है, थोड़ी सी राख लेके आइए चिता की, या फिर कोई लकड़ी मिल जाए चिता की तो वो लेके आइए। बस इतना करना है, बोलना है कि हे शमशान, मैं आपको नोतने आया हूँ, कृपया आप मेरे साथ चलिए। तो जब आप घर पे साधना को करें तो विशेष ध्यान रहे, साधना आप जो साधना कक्ष हो वो आपका एकांत में होना चाहिए। पूरे ये साधना 7 दिन की है, 7 दिन उस कमरे में कोई नहीं जाना चाहिए, ना बीवी ना बच्चे ना कुछ, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। नहीं तो सबसे बढ़िया इस जगह है शमशान, निर्जन स्थान, कोई खंडा, ऐसी जगह कोई जाता ना हो, नदी किनारा, ठीक है, ऐसी जगह साधना करनी है। नोत के घर पे करना चाहते हैं तो नोत के आइए, आने के बाद वो लेके आइए, लेके आने के बाद कमरा अपना शुद्ध, मतलब एक बिल्कुल बंद कर लें, ब्लॉक कर लें अच्छी तरीके से। दीपक इसमें सरसों के तेल का, आसन कुसा का या काला, माला रुद्राक्ष की, वस्त्र काले या निवस्त्र, कोई कपड़ा नहीं पहनना है, अगर काले हो तो ठीक, न बिना कपड़े को साधना कर सकते हैं, ठीक है। दिशा दक्षिण, आसन कुसा का या काला, माला रुद्राक्ष की, वस्त्र काले। प्रतिदिन आपको 5 माला जाप करना है, साबर मंत्र साधना है। साधना शुरू करने से पहले 1 माला गुरु मंत्र की, 1 भैरव मंत्र की और 1 गणेश मंत्र की। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, इस साधना में सुरक्षा घेरा जरूरी है, यानी कि शरीर कीलन मंत्र जरूरी है। तो अब किसी के पास नहीं हो तो हमारी वीडियो में बहुत सारे मंत्र पड़े हैं शरीर कीलन के हमारे चैनल पे, आप उनमें कोई भी मंत्र उठा के 108 बार जाप करके और 108 आहुति लगा के घी की या किसी भी चीज़ की आप उनको सिद्ध कर सकते हैं, वो स्वयं में सिद्ध है, जागृत हो जाएंगे कंठस्थ होते ही, ठीक है। तो इस साधना में सुरक्षा घेरा मंत्र अनिवार्य है, और बिना गुरु की आज्ञा के साधना ना करें और बिना गुरु मार्गदर्शन के। दिशा मतलब द्वारा बता देता हूँ, आसन कुशाका, माला रुद्राक्ष की, वस्त्र काले, आसन कुशाका या काला। दिशा दक्षिण, प्रतिदिन 5 माला जाप करना है, ठीक है, दक्षिण मुख करके। दीपक रहेगा सरसों के तेल का, दीपक सरसों के तेल का, एक लकड़ी का बैजोटा ले लें, काला कपड़ा बिछा लें, अगर नहीं भी हो तो डायरेक्टली साधना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे पोछा लगा लें जहाँ भी आप साधना कर रहे हैं। भोग में 5 प्रकार की मिठाई, लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर, नींबू, 1 नींबू प्रतिदिन बलि देना है लौंग बतासा कपूर के ऊपर, 1 लोटा जल, ठीक है, लौंग बतासा कपूर 5 प्रकार की मिठाई, 1 लोटा जल, 1/4 बोतल दारू देसी, ठीक है, 1/4 बोतल दारू देसी। और पहले दिन बकरे की कलेजी और लास्ट वाले दिन बकरे की कलेजी का भोग देना, ये प्रत्यक्ष आता है, दूसरे तीसरे दिन से ही ये आपको अटाने लगेगा, अनुभव कराने लगेगा, भयभीत करेगा, डराएगा, लेकिन शर्त है घेरे से नहीं निकलना। घेरे से निकलोगे तो क्या हो आपके साथ में, मैं नहीं बोल सकता, घेरे में ही रहना है, क्योंकि ये उठा के पटक दे कुछ भी आपके साथ अनुभव नहीं हो सकती है। तो इस साधना को वही करे जो भय नहीं खाता हो, दिल गुलदा मजबूत हो और मौत के नाम से डर नहीं लगता हो, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग बकरे की कलेजी नहीं दे सकते, ये मुर्गी पे भी चलता है, लास्ट में आप काला या काले रंग का या लाल रंग का इसको मुर्गा बलि दे सकते हैं, ठीक है। ये साधना बहुत ही प्रचंड, बहुत 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 प्रचंड साधना है। तो जो करना चाहते हैं, मंत्र सभी साधनाओं की भांति नहीं दूंगा, क्योंकि कॉपी करने में इंडिया नंबर 1, मंत्र नहीं दूंगा, मंत्र चाहिए तो इसका जो शुल्क है साधना का वो पे करना पड़ेगा, मंत्र दे दिया जाएगा विधि विधान के सहित, और साधना काल में हम पूर्ण रूप से हेल्प करेंगे, मैं चंद्रनाथ गोरी आपको पूर्ण रूप से हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत आती है तो हम उसमें आपकी पूर्ण सहायता करेंगे, ठीक है। और ये थी साधना सूंगा शैतान की, पूर्ण रूप से तामसिक और अघोर पद्धति से, ठीक है। जिसको करना है संस्थान के नंबर पर कॉल कर सकता है, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है, नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश होता मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात,
जिन लोगों को शिविर में आना है, रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया है, कराना चाहते हैं तो करा लीजिएगा, अभी 20 तारीख तक ओपन है, बाद में मत कहना कि हमने मिस कर दिया, ठीक है। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको मंत्र दे दिए जाएं जिस साधना को, जो भी साधना करना चाहते हैं, और उसको आप कंठस्थ करके आएं, ताकि आपको कंठस्थ मंत्र होगा तो फिर साधना में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जिनको शिविर में आना है, आइए, वेलकम है आपका। बाबा महाकाल का आदेश होगा, माँ भगवती की कृपा होगी, तो शिविर में भाग जरूर लेंगे आप। ऐसे शिविर बार बार नहीं लगते हैं। इस शिविर में आठ साधना के नाम दिए गए हैं, उनमें से कोई भी आप एक साधना डिसाइड करके कर सकते हैं, और सभी साधना करने के बाद साधनाओं का प्रैक्टिकल सब कुछ कराया जाएगा, कैसे निगेटिव एनर्जी रिमूव करते हैं, कैसे किसी का पोछा लेते हैं, कैसे जानकारी निकालते हैं, सब बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश।